तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 नोदन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है कि रॉकेट है क्या, क्या है रॉकेट, हम तो नहीं जानते सर क्या है रॉकेट। तो आपको बता देते हैं, रॉकेट कुछ नहीं, रॉकेट एक व्हीकल, एक वाहन है। क्या है? रॉकेट वाहन है। अब वाहन है तो मेरे भाई आप खुद सोचो, प्रत्येक वाहन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। वाहन है तो वाहन को चलाना है, देखो रॉकेट है, वाहन है और वाहन को चलना है, क्योंकि वाहन तो है चलने के लिए होता है, और वाहन को चलाना है तो ईंधन की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। सिंपल बात है, कोई दिक्कत है चलो। तो वाहन के लिए ईंधन की ज़रूरत, तो ईंधन कैसे, क्या जलेगा, क्या होगा, वो सब समझेंगे। तो सबसे पहले रॉकेट हम देखेंगे कि रॉकेट होता क्या है, इसमें होता क्या क्या है। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रॉकेट ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ रॉकेट। तो ये दोस्तों हमने एक रॉकेट बना लिया, ये हमने क्या बना लिया दोस्तों, एक रॉकेट बना लिया। ठीक है, ये हमने एक रॉकेट बनाया है, एक सेकेंड, ये हमने एक दोस्तों रॉकेट बना लिया। ठीक है, ओके, ये हमारा रॉकेट है। तो सबसे पहले दोस्तों बता देती हैं, जो रॉकेट होता है इसमें तीन कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई, एक सेकंड, रॉकेट जो होता है ना मेरे भाई, इसमें कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई, तीन कक्ष होते हैं रॉकेट में। कितने कक्ष होते हैं? तीन। ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हमारे रॉकेट में तीन कक्ष इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के रॉकेट में तीन कक्ष होते हैं। ठीक है, एक सेकंड, तो ये हमारे रॉकेट में तीन कक्ष होते हैं, जिसमें से दोस्तों क्या करते हैं हम, जो ये वाला कक्ष होता है ये आपका ईंधन कक्ष कहलाता है। कौन सा कक्ष कहलाता है? ईंधन कक्ष कहलाता है, मतलब इसमें हम ईंधन रखते हैं, और ईंधन के रूप में हम किस किस को रख सकते हैं दोस्तों, ईंधन के रूप में हम पेट्रोल या फिर जो आपका एल्कोहल होता है, पेट्रोल या फिर जो हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो ईंधन के रूप में हम पेट्रोल और जो एल्कोहल होता है इसको रखते हैं, मतलब ईंधन के रूप में पेट्रोल और एल्कोहल को जलाते हैं। ये हमारा होता है ऑक्सीकारक कक्ष। कौन सा कक्ष? ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष, ऑक्सीकारक कक्ष, मतलब इसमें हम ऑक्सीकारक पदार्थ को रखते हैं, और ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में हम क्या रखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर हो गया, दो कक्ष हो गए। और ये जो हमारा कक्ष आपको दिख रहा है ये वाला, ये होता है आपका दहन कोष्ठ, दहन कोष्ठ या दहन कक्ष, दहन कोष्ठ या दहन कक्ष। इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, जो ईंधन और ऑक्सीकारक पदार्थ है, ईंधन ऑक्सीकारक पदार्थ मतलब जो ऑक्सीजन दान करता है, क्योंकि हमें पता है ईंधन को जलाना है, और ईंधन को जलाना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ नहीं जलता है ना। तो ईंधन को और जो ऑक्सीकारक पदार्थ है उसको हम दहन कक्ष जो दिख रहा है ना इसमें जलाएंगे। ठीक है, अब भाई साहब आप ये बताओ, जब ईंधन जलेगा, ईंधन जलेगा तो उसमें से गैस नहीं बनेगी क्या, उसमें से गैस नहीं निकलेगी क्या? सिंपल सी बात है, जब ईंधन जलेगा तो गैस निकलेगी। ठीक है, तो गैस निकलने के लिए जो आपका रॉकेट होता है, इस रॉकेट के पीछे से एक छोटा छिद्र होता है, एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। इस छिद्र में से क्या होता है, जो आपकी गैस होती है, जो गैस होती है इस छिद्र की सहायता से बाहर निकलती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, देखो दहन कोष्ठ में क्या बनेगी, गैस। अब दहन कोष्ठ में गैस बनेगी तो गैस को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। गैस को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो दहन कोष्ठ में जो गैस बनती है, उस गैस को बाहर निकालने के लिए जो आपको रॉकेट दिख रहा है, ये आपका जो क्या दिख रहा है, रॉकेट दिख रहा है, ये रॉकेट गैस पर क्या लगाएगा, बल। जो रॉकेट है वो गैस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। रॉकेट गैस पे बल लगाएगा तो जो गैस है वो पीछे की ओर बाहर निकलेगी, पीछे की ओर क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब एक बात आपको जानते हो, एक बात आपको पता है, आपने न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ा था, और न्यूटन की गति के तृतीय नियम में आपने देखा था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि कोई वस्तु, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। ठीक है,
जैसे मान के चलो ये मार्कर को मैं जितनी मजबूती से मार्कर को मैं पकड़ा हूँ, मार्कर भी मेरे हाथों पर उतना ही बल लगा रहा है। मतलब दो बल लगते हैं, वो एक यदि ऊपर की ओर लग रहा है तो एक नीचे की ओर लगेगा, एक नीचे की ओर लग रहा है तो दूसरा ऊपर की ओर बल लगेगा। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो गैस है, गैस को बाहर निकालने के लिए रॉकेट गैस पर बल लगा रहा है। रॉकेट किस पर बल लगा रहा है? गैस पर बल लगा रहा है। अब रॉकेट गैस पर बल लगा रहा है तो गैस किस पर बल लगाएगी? रॉकेट पर बल लगाएगी। अब देखो, रॉकेट गैस पर बल लगा रहा है तो गैस कहाँ की ओर निकल रही है? पीछे की ओर निकल रही है। और गैस जब रॉकेट पर बल लगाएगी तो जो रॉकेट है वो कहाँ की ओर चलेगा? आगे की ओर चलेगा। तो समझ गए ना, रॉकेट क्यों चलता है? क्योंकि ईंधन जलता है तो गैस बनती है, गैस बनेगी तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए रॉकेट गैस पर बल लगाता है, तो गैस रॉकेट पर बल लगाती है और रॉकेट आगे चलता रहता है। मतलब रॉकेट के लिए ज़रूरी है कि गैस बाहर निकलती रहेगी, तब तक रॉकेट बाहर आगे की ओर चलता रहेगा। समझ रहे ना, जब तक गैस बाहर निकलती रहेगी जब तक रॉकेट आगे की ओर चलता रहेगा। क्लियर हो गया? चल, ये बात क्लियर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, तो ये तो हमने समझ लिया कि रॉकेट में ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो रॉकेट क्या है? वाहन। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रॉकेट जो नोदन है इसको समझना ज़रूरी है कि जो आपका रॉकेट नोदन है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके ऑब्जेक्ट में आता है, ये आपके ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जाएगा कि रॉकेट जो है ना किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। रॉकेट में ईंधन, पेट्रोल, एल्कोहल आदि ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड आदि को हम कहाँ जलाते हैं? दहन कोष्ठ में जलाते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, दहन कोष्ठ में जलाया जाता है। ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसों को इसमें बने एक जेट, मतलब एक सेकंड, जो आपको जहाँ से गैस निकलती है, जहाँ से क्या निकलती है? गैस निकलती है, इसको हम जेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेट। ये याद रखना, ठीक है। जहाँ से गैस निकलती है उसे क्या बोलते हैं? हम जेट बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पन्न गैसों को इनमें से बने एक छोटे से छिद्र से होकर अत्यंत तीव्र वेग से जेट के रूप में बाहर निकाला जाता है। मतलब जो गैसें निकलती हैं इनको जेट बोलते हैं। जो गैसें निकलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? छोटे छिद्र में से गैसें निकलती हैं ना, तो इन गैसों को हम क्या बोलते हैं? जेट बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब आगे आपको करना है, आगे आपको समझना है। देखो समझो, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उन शब्दों को समझो, आगे मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। रॉकेट में ईंधन जलने से उत्पन्न गैसें, बिल्कुल सर, रॉकेट में ईंधन जलेगा तो गैसें उत्पन्न होंगी। तो उत्पन्न गैसें जब उच्च दाब व उच्च ताप पर, जो उत्पन्न गैसें हैं जब उच्च दाब और उच्च ताप पर रॉकेट के पीछे एक छोटे छिद्र से निकाली जाती, मतलब जो गैसें बन रही हैं, जो क्या बन रही हैं? गैसें। इन गैसों को यदि उच्च दाब और उच्च ताप पर इस जो छिद्र बना है इनमें से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? बाहर। ओके, बाहर निकाला जाता है। तो रॉकेट द्वारा गैसों को बाहर निकालने में, रॉकेट द्वारा बात कर रहे हैं, रॉकेट द्वारा गैसों को बाहर निकालने में जितना बल लगता है, मतलब जो गैसें बन रही हैं इन गैसों को बाहर निकालने के लिए रॉकेट इन गैसों पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल गैसों द्वारा रॉकेट पर लगेगा। मतलब जिससे रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा, जिससे रॉकेट कहाँ की ओर बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? जिससे रॉकेट आगे की ओर चला जाता है। इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे गैस बाहर निकल जाती है रॉकेट का ईंधन सहित कुल द्रव्यमान घटता जाता है। अरे यार, सिंपल सी बात है, मान लेते हैं रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम जीरो है, ईंधन सहित, ठीक है। अब भाई गैस, ईंधन जलेगा, ईंधन जलेगा तो गैस बाहर निकलेगी। अब ईंधन जलेगा तो गैस बाहर निकलेगी, जब गैस बाहर निकलेगी तो इसका द्रव्यमान जो है ना वो कम होगा ना। सिंपल सी बात है, इसका द्रव्यमान कम होगा क्योंकि गैस बाहर निकल रही, तो ईंधन का द्रव्यमान जो है ना जल के बाहर निकल रहा है तो जो द्रव्यमान है टोटल द्रव्यमान उसमें कमी आएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इतना आपको ऐड करना है, इतना आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हम व्यंजक जो है ना इसकी स्थापना करेंगे। तो समझो एक एक चीज़ को, माना रॉकेट का ईंधन सहित प्रारंभिक द्रव्यमान एम जीरो है, कैपिटल एम जीरो। जो रॉकेट है उसका हम ईंधन सहित द्रव्यमान मान के क्या चल रहे हैं? एम जीरो है। क्या है? एम जीरो, ईंधन सहित, रॉकेट प्लस ईंधन दोनों का, ठीक है। चलो, तथा गैस का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल एम है। क्या है? एम, स्मॉल एम। तब प्रति सेकंड निष्कासित गैस का द्रव्यमान, मतलब प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में
कितनी गैस जो है ना बाहर निकलेगी, निष्कासित गैस का द्रव्यमान एक सेकंड में कितनी गैस बाहर निकलेगी। तो निष्कासित गैस का द्रव्यमान हम मान लेते हैं, देखो गैस का द्रव्यमान क्या है एम, तो ये डेल एम अपॉन डेल टी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में इतनी गैस बाहर निकलेगी। अब एक सेकंड में इतनी गैस बाहर निकलेगी तब टी सेकंड, टी यहाँ शॉर्ट कर दे रहा, टी सेकंड में निष्कासित गैस, टी सेकंड में निष्कासित गैस कितनी होगी। देखो एक सेकंड में इतनी गैस बाहर निकल रही है, मान लेते हैं इतनी गैस बाहर निकल रही है, देखो गैस का द्रव्यमान था एम, तो इतनी गैस हम मान लेते हैं बाहर निकल रही है एक सेकंड में, इतनी गैस बाहर निकल रही है एक सेकंड में, तो टी सेकंड में कितनी निकलेगी, तो एक सेकंड में कितनी निकल रही है डेल एम अपॉन डेल टी, तो टी में कितनी निकलेगी, टी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक में इतनी, जैसे मान के चलो एक सेकंड में दो निकल रहा है तो 10 सेकंड में कितना होगा, 10 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वही बात है, एक सेकंड में इतना निकल रहा है तो टी सेकंड का निकालना है, तो टी का हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, मतलब टी सेकंड में इतनी गैस जो है ना बाहर निकल रही, टी सेकंड में इतनी गैस क्या हो रही है बाहर निकल रही, ठीक है। तो अब अगर हम टी समय पश्चात इस रॉकेट का द्रव्यमान देखें, तो वो रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखो तो टी समय पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान मान के चलते हैं, केवल रॉकेट का द्रव्यमान क्या है एम, ठीक है। अब ईंधन सहित रॉकेट का द्रव्यमान क्या है एम जीरो, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैपिटल एम जीरो, ठीक है। अब टी सेकंड में कितनी गैस बाहर निकल जाएगी, इतनी गैस बाहर निकल जाएगी तो जो कुल द्रव्यमान था ईंधन और रॉकेट का उसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब उसमें से कुल में से यदि इसको माइनस कर देंगे जितना बाहर, देखो ये था आपका कुल और इतना हो गया बाहर, तो कुल में से जब इसको घटा देंगे तो जो आपका रॉकेट का जो है वो द्रव्यमान आ जाएगा। तो एम जीरो में से किसको हम घटाएंगे, डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी को हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, मतलब रॉकेट प्लस ईंधन मतलब ये है, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें जो रॉकेट का द्रव्यमान है वो मिल जाएगा टी समय पश्चात, ठीक है। तो ये हमें दोस्तों मिला है किसका द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान मिला है कितने समय पश्चात, ये हमें मिला है रॉकेट का द्रव्यमान टी समय पश्चात। इतना समझ में आ गया, एक एक चीज़ को समझते जाएं और हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रखना है, मान लेते हैं हम डेल टी समय में, हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं डेल टी समय में रॉकेट के सापेक्ष यू वेग से, रॉकेट के सापेक्ष मतलब रॉकेट आगे चल रहा है और गैस पीछे की ओर जा रहा है ना, तो रॉकेट के सापेक्ष यू वेग से गैस का डेल एम द्रव्यमान बाहर निकलता, मान लेते हैं डेल टी समय में हम मान लेते हैं रॉकेट के सापेक्ष जो यू वेग से जो गैस का डेल एम द्रव्यमान बाहर निकलता है, मतलब गैस का डेल एम द्रव्यमान बाहर निकलता है किसमें, डेल टी समय में, ठीक है, बाहर निकलता है। अब द्रव्यमान कम होगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बात है, बाहर निकलता है, जिससे रॉकेट के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, रॉकेट का जो वेग होता है उस वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और वो वृद्धि मान लेते हैं हम कितनी है, डेल भी है, क्या है, वृद्धि हो जाती है, और इसका द्रव्यमान मतलब जो रॉकेट का द्रव्यमान है डेल एम क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि डेल एम बाहर निकलेगा, रॉकेट का द्रव्यमान डेल एम बाहर निकलेगा गैस, तो डेल एम क्या होगा, द्रव्यमान घट जाएगा। जैसे आपका टोटल आपका 20 है, अब 5 बाहर निकल गया तो 5 घट गया ना, 5 बाहर निकल गया मतलब 5 घट गया, समझ रहे ना, ठीक है। तो रॉकेट का अब हम निकालेंगे संवेग, क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे आधारित है ना, तो हम क्या निकालेंगे, अब संवेग निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, रॉकेट का आगे की ओर संवेग, रॉकेट का आगे की ओर संवेग क्या हो जाएगा। तो देखो रॉकेट का द्रव्यमान क्या था, कैपिटल एम, रॉकेट का द्रव्यमान क्या था, टी टर्म एम बचा था, अब इसमें से डेल एम हो गया बाहर, इसमें से कितना बाहर हो गया, डेल एम बाहर हो गया, ठीक है। तो ये डेल एम हो गया बाहर, ठीक है। तो ये तो हो गया द्रव्यमान, क्योंकि संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, बोलो होता है कि ना, द्रव्यमान इंटू वेग, तो ये तो आपका द्रव्यमान हो गया। अब वेग क्या है, तो वेग आपका क्या है, डेल भी, तो ये आपका डेल भी, ओके चलो, है ना। तथा तथा
गैस का पीछे की ओर संवेग, गैस का पीछे की ओर संवेग क्या हो जाएगा? देखो आगे की ओर संवेग रॉकेट, क्योंकि आगे रॉकेट आगे की ओर जा रहा है, और गैस का संवेग कहाँ की ओर होगा? पीछे की ओर। तो द्रव्यमान बटे वेग, तो द्रव्यमान क्या है गैस का, गैस का द्रव्यमान क्या है डेल एम, क्योंकि डेल एम से बाहर निकल रहा है, और वेग क्या है, कौन से वेग से जा रहे हैं, यू वेग से, तो डेल एम इंटू यू। ओके, अब यहाँ से आगे की ओर संवेग मिल गया, और हमें कहाँ की ओर संवेग मिल गया, हमें पीछे की ओर संवेग मिल गया। अब हम क्या कर देंगे, संवेग संरक्षण का जो है ना नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई, संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नो। तो संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, तो हम लिख देंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण के नियम से हम बढ़ेंगे आगे। ओके दोस्तों, दोस्तों अब हम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगा देंगे। तो आगे की ओर संवेग, मतलब आपको पता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। अब यहाँ पर आगे की ओर पीछे की ओर संवेग है, तो आगे की ओर संवेग बराबर क्या हो जाएगा, पीछे की ओर संवेग। तो आगे की ओर संवेग क्या है आपका, ये है, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एम माइनस डेल एम, ठीक है, और डॉट डेल बी, ठीक है, बराबर पीछे की ओर संवेग ये है, तो डेल एम डॉट यू। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर कैपिटल एम और ये स्मॉल एम है, तो आपको पता है जो कैपिटल एम है वो रॉकेट का द्रव्यमान है, और डेल एम है गैस का द्रव्यमान। तो आप बताओ रॉकेट का द्रव्यमान ज़्यादा होगा कि गैस का द्रव्यमान? तो आप कहोगे सर रॉकेट के द्रव्यमान की तुलना में तो गैस का द्रव्यमान कुछ भी नहीं है, मतलब रॉकेट का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और गैस का द्रव्यमान बहुत कम है, मतलब रॉकेट का द्रव्यमान जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में, डेल एम की तुलना में, गैस के द्रव्यमान की तुलना में। तो डेल एम को हम नगण्य मतलब जीरो के बराबर मान लेंगे। जब ये जीरो के बराबर मान लेंगे तो केवल हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम, इसको हमने जीरो रख दिया, और ये डेल भी बराबर क्या हो जाएगा, डेल एम डॉट यू। एनी प्रॉब्लम? यहाँ से जो हमने m का मान निकाला, m का मान जो हमने निकाला है, इस m के मान को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, m के मान को उठा के हम यहाँ रख देंगे। जब हम m के मान को उठा के यहाँ रख देंगे तो ये है हमारा मान m का, क्या है, m ज़ीरो माइनस डेल m अपॉन डेल t, ठीक है, डेल t डॉट t, ये है हमारा द्रव्यमान, ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान, ठीक है, एम की वे एम की जगह हमने रख दिया, एम की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है, और ये हमारा डेल भी सेम रहेगा बराबर डेल एम डॉट यू, ये हमारा सेम रहेगा। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो दोस्तों मैं आगे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पर जो चीज़ मैंने लिखी है इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो आप पहले ही ले लेना, और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और आगे अब मैं ना चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूँगा, डेल टी से भाग लगाऊँगा, डेल टी से भाग देने पर, डेल टी से भाग देने पर, मतलब जो आपका समीकरण है इसमें डेल टी से भाग दूंगा। तो देखो यहाँ पर समझो, ये आपका ज्यों कहते हुए लिख दो एम ज़ीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी डॉट टी, ये आपका सेम रहा, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया दोस्तों, जो डेल भी आपके पास था, ये आपका पास क्या था, डेल भी, इसमें हमने डेल टी से भाग लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पूरे से मैं डेल टी से भाग लगाना थे तो ब्रैकेट में इसमें लगा दिया, बराबर ये हमारे पास क्या है, डेल एम, इसमें लगाया भाग, तो ये डेल टी और ये हमारा रहा यू। एनी प्रॉब्लम दोस्तों? इधर तक क्या आपको सबको समझ में आ गया, इधर तक क्या आपको सबको समझ में आ गया, चलो अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो डेल भी अपॉन डेल टी होता है ये क्या होता है, त्वरण, क्योंकि आपको पता है वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, तो इसकी वैल्यू क्या है, त्वरण मतलब ए है, मतलब इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, तो मतलब ये डेल भी अपॉन डेल टी अगर हम निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो ये डेल एम और ये डेल टी ज्यों का त्यों रहा, और इसको हम क्या कर देते हैं, बटे में लिख देते, ठीक है, तो ये बटे में जाएगा, तो ये बटे में जाएगा, तो एम ज़ीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी इंटू टी,
ये चला गया कहाँ, बटे में चला गया। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि ये त्वरण है, तो ये त्वरण आ गया आपका डेल एम अपॉन डेल टी डॉट यू अपॉन अपॉन एम जीरो माइनस डेल एम अपॉन डेल टी डॉट टी, ये आपका आ गया त्वरण। तो ये जो है ना संवेग जो आपका रॉकेट नोदन के लिए क्या आ चुका है मेरे भाई, त्वरण आ चुका है। अब एक दोस्तों छोटी सी चीज़ और हमारे लिए बची है जो आपका प्रणोद। देखो आपको पता है गैस रॉकेट पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है, जिससे आपका रॉकेट आगे बढ़ रहा है, जिससे आपका रॉकेट आगे बढ़ रहा है। तो यही जो दोस्तों है ना हमारा प्रणोद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लें इसका, पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, और जो गैस या फिर रॉकेट का जो प्रणोद है, इस रॉकेट के प्रणोद पर हम बात कर रहे हैं, रॉकेट के प्रणोद जो है ना हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रॉकेट का प्रणोद क्या होता है, एक बल होता है, जिसके कारण रॉकेट जो आगे बढ़ता है वही बल हमारा क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो अब हम दोस्तों जो आपका रॉकेट का प्रणोद है इस पर हम बात करेंगे। प्रणोद क्या है, एक बल है, क्या है, बल। तो देखो इधर हम बल की बात करते हैं और प्रणोद जो बल है वो हम निकालते हैं, एक सेकंड। हाँ तो दोस्तों आप जानते हो, जो आप जानते हो कि जो आपका बल होता है क्या होता है, बल, प्रणोद बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बिल्कुल होता है मेरे भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर हमारा क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो आइए हम इसको बहुत आसान तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखा था क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान क्या है एम और त्वरण क्या है ए, एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों हमने जो m, अब भी हमने m जो था इस m की वैल्यू निकाली थी, अभी हमने आगे m की वैल्यू निकाली थी, और m हमारे लिए क्या था, m जीरो माइनस डेल f, सॉरी डेल m अपॉन डेल t इंटू टी, ये बोलो था कि नहीं, बिल्कुल था, ठीक है, बिल्कुल था। और ये हमारा क्या है, a है, क्या है हमारा a, और a का मान जो है ना हमने अभी निकाला, यही है ना a का मान, यही है, बिल्कुल सर a का मान यही है। तो a का मान हमारे पास ये है, तो हम ये रख देंगे डेल m अपॉन डेल t, ठीक है, इंटू u अपॉन m ज़ीरो माइनस डेल m अपॉन डेल t इंटू t, बोलो यही है क्या, बोलो यही है क्या। देखो ये ऊपर है ये नीचे है, ये कट जाएगा, तो f बराबर हमारा आ जाएगा डेल m अपॉन डेल t डॉट u, और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, प्रणोद बल कहलाएगा। तो दोस्तों ये हमारा रॉकेट नोदन था, और रॉकेट नोदन आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। जो भी डाउट है मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसको मैं अगली वीडियो में लूँगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो मज़ा आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।